गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पार्थ गेमर पर। और आज मैं खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट में एक नया मैप जिसका नाम है माइनक्राफ्ट का स्काई ब्लॉक। इसकी सीरीज आएगी पूरी, और ये स्काई ब्लॉक का मैप बहुत बढ़िया मैप है। मैंने खेल रखा है पहले भी, पर मैंने इसे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया, बस कबलस्टोन जनरेटर बना के छोड़ दिया था। टेस्ट में क्या है? हाँ पता तो ये सब ही होगा। लैग तो नहीं कर रहा? सही है। तो सबसे पहले यहाँ से ये घास वास सब हटाते हैं। घास वास हटाओ, सीड भी मिल सकती है इनसे, इसलिए ध्यान से हटाना। मिल गई, ओके। अब इन सारी सीड्स को मैं इसके अंदर रख दे रहा हूँ। सबसे पहले कबलस्टोन जनरेटर बनाते हैं, क्योंकि उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। कबलस्टोन जनरेटर बनाने के लिए ध्यान से, बकेट तो बिल्कुल नहीं खोनी मुझे, बस ये ऑब्जीडियन ना बन जाए। पहले से तोड़ते हैं, अब इसे डालते हैं वहाँ। ओ, कबलस्टोन जनरेटर वहाँ बन रहा है। मुझे पता था ऐसे कुछ होगा। ये क्या हो गया? अच्छा, गाइस लैग हो रहा है मेरा, क्योंकि गाइस लैग हो रहा है। पहले मैं चंग डिस्टेंस कम करूं, मेरा गेम लैग हो रहा है। आपको आइलैंड्स तो दिख ही गए होंगे, जब किसी आइलैंड पे जाना होगा तब मैं चंग डिस्टेंस बढ़ाऊंगा। अभी के लिए चंग डिस्टेंस कम कर देते हैं, वीडियो में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 8 से ज़्यादा नहीं रखेंगे, आइलैंड तो दिख रहे हैं थोड़े बहुत। तो सबसे पहले वुड कलेक्ट करते हैं। रुको, पहले सैपलिंग अगर कहीं चली गई तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। सैपलिंग ना जाए इसलिए सबसे पहले यहाँ पेड़ के बगल में एक एक लेयर लगा दो। अरे यार, ये अभी भी लैग कर रहा है भाई। रुकिए गाइस, पहले मैं लैग फिक्स करता हूँ। गाइस मैंने लैग तो फिक्स कर दिया है। चलिए वुड तोड़ते हैं जल्दी से। और गाइस, इस वीडियो को आप अगर एंड तक देखें तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना। और आज का लाइक एम है 10 लाइक। 10 लाइक तो आपको करना ही पूरे के पूरे करने ज़रूरी हैं। मेरी किसी वीडियो पे इतने लाइक्स नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, पर अगर आप सपोर्ट करेंगे तो शायद मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर ही बन जाऊँ। नेटर पोर्टल तो भी बना ले रहा हूँ, मैं बना तो सकता हूँ। क्राफ्टिंग टेबल बना लो। पिकैक्स बना लूँ, इसके बाद तो मैं सारी चीज़ें स्टोन की बनाऊँगा। ध्यान से तोड़ो, कोई भी चीज़ गिर ना जाए। सैपलिंग मिल गई, चलो मैं इस एरिया को एक्सपेंड करूँगा। अभी थोड़ा एक्सपेंड करूँगा, अभी किसी आइलैंड पे नहीं जाऊँगा, एक्सपेंड करूँगा बस। 2 सैपलिंग मिल गई गाइस, बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ। 3 सैपलिंग, अरे सैपलिंग पे सैपलिंग मिले जा रहे भाई। जल्दी 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 तोड़ते रहो तोड़ते रहो। सही है, बहुत सही है। अब जल्दी से पहले चेस्ट खोलते हैं, बकेट रखते हैं, वुड रखते हैं, स्टिक रखते हैं, और सैपलिंग वैपलिंग सब रख देते हैं। पहले जल्दी से यहाँ पे जाके
कबलस्टोन माइन करते हैं। मुझे स्लेट अच्छा नहीं लगता। अब वो भी जलने लग गया। ओ भाई बहुत संभल के। और मुझे 3 कबलस्टोन चाहिए। ये बार बार जल जाती है यार। और सबसे पहले इसको खोलेंगे क्राफ्टिंग टेबल को और बनाएंगे इसके, नहीं इसके स्लैब। और इन स्लैब को रखेंगे ऐसे, पानी की तरफ वाला बंद नहीं करेंगे, पर ये पानी का सोर्स जहाँ है वहाँ का बंद कर देते हैं। तो गाइस अब हो चुका है हमारा काम। चलिए अब आग भी नहीं लगेगी। आज की वीडियो में हमें क्या, आज आज इस पार्ट में हम क्या क्या करेंगे देखते हैं। पहले जल्दी से तोड़ते हैं। चेस्ट खोलते हैं, चेस्ट में से स्टिक निकालते हैं और स्टोन की पिकैक्स बनाते हैं, थोड़ा अपग्रेड करते हैं। बार बार ऐसे ऐसे हो रहा है भाई, डर्ट टूट जाएगी मेरे से पीछे की। दूर निकालो और ये हटाओ, स्टिक भी रख दे रहे हैं फालतू में, स्टिक क्यों वेस्ट कर रहे हैं। और गाइस इसमें सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है डर्ट। डर्ट नहीं जानी चाहिए, डर्ट बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है। स्काई ब्लॉक की सीरीज़ मेरे ख्याल से आपको पसंद आएगी। मैंने जैसा कहा है लाइक है 10 लाइक, 10 लाइक ज़रूर कंप्लीट कर दीजिएगा। और सब्सक्राइबर हमारे बहुत कम है, कम से कम 30 सब्सक्राइबर तो बढ़ा ही दीजिएगा 2 वीडियोस के बाद, कम से कम उम्मीद कर रहा हूँ मैं। क्योंकि मैं AFK करता हूँ, बहुत सारे कबलस्टोन खोदता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मेरे को कम से कम 2 या 3 स्टैक चाहिए होंगे, खोदता हूँ मैं फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस मैंने 2 स्टैक कबलस्टोन जमा कर लिए और 4 कबलस्टोन एक्स्ट्रा। अब यहाँ से जल्दी से पहले चेस्ट खोलते हैं, चेस्ट खोलते हैं और ये पिकैक्स रखते हैं, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये भी रखेंगे, ये भी रखेंगे और ये भी रखेंगे। तो चलिए गाइस जल्दी से ये खोलते हैं और स्लैब्स बनाते हैं बहुत सारे, क्योंकि अब मैं जो काम करने वाला हूँ वो बहुत ज़रूरी काम है, नहीं तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। कबलस्टोन जनरेटर तो यहीं रहेगा। तो क्या करना था, पहले यहाँ का एक थोड़ा खोलते हैं और नीचे की तरफ नीचे की तरफ लगाते हैं, बहुत बढ़िया। तो गाइस अब मैंने नीचे की तरफ इसे लगा दिया है। अब मैं इसके नीचे जाऊँगा और जल्दी से सीढ़ियाँ बना लूँ क्या, लो सीढ़ियाँ तो बन गई। और जल्दी से मैं इसके ऊपर यहाँ से है ना पूरा प्लेटफॉर्म कवर कर देता हूँ। ये करना बहुत ज़रूरी है गाइस, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं मर भी सकता हूँ, क्योंकि है ना अगर मैं खेल रहा हूँ कभी भी ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाएंगे किसी भी जगह पे। तो मैं नॉन स्पॉन वाला प्लेटफॉर्म लगा रहा हूँ, नॉन स्पॉन वाली है ना, हाँ। अगर ये आधा ब्लॉक है इसलिए यहाँ स्पॉन नहीं हो सकता कोई भी मॉब। मैं शायद आपको ये बात बता चुका हूँ शायद से। डर्ट चली गई यार, डर्ट कितनी इम्पोर्टेंट है इस मैप में यार। क्या हुआ, ओ जल्दी से मैं नीचे एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म बनाता हूँ और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ लाइक गोल ज़रूर कंप्लीट कर दीजिएगा, जो है 10 लाइक, और सब्सक्राइबर 30 करवा ही दीजिए 2 वीडियोस में। तो जल्दी से मैं इसको
कवर करता हूँ, पूरा एक्सपेंड करता हूँ, फिर डर तोड़ेंगे हम, ठीक है। अब जल्द मैं वीडियो पॉज करता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ वीडियो में अपना पूरा पाथ बना के। तो गाइस मैंने रेडी कर लिया है प्लेटफॉर्म, ये देखिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब जल्दी से ऊपर चलते हैं। ये कबलस्टोन जनरेटर मैं यहीं रहने दूंगा, इसकी जगह बस मैं ये डर्ट हटा लूँगा, डर्ट हटाना ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले चेस्ट खोलते हैं। अब पेड़ का भी मैं जुगाड़ पेड़ भी नीचे लगाऊंगा। अरे इससे तो यही बन सकता है, स्टिक चाहिए यार। चलिए वुड तो है गाइस, वुड तो है, इतनी कम नहीं है वुड। वुड ख़त्म हो जाती तो बहुत दिक्कत हो सकती थी। शवल डर्ट डर्ट हटाओ, शवल लो, ये हटाओ, ये तो चाहिए। तो गाइस जल्दी से मैं नीचे से डर्ट निकालता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिखेगा। तो गाइस मैंने ये सब तो कर लिया है, देखो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म, और नीचे से जितनी डर्ट निकल सकती थी निकाल ली, 30 डर्ट हो चुकी है हमारे पास। जल्दी से ये सारे के सारे डर्ट रख देते हैं। और गाइस आज के पार्ट में इतना ही, अगले पार्ट में हम वो बनाएंगे वुड वुड के ट्री फार्म, बहुत सैपलिंग तो है हमारे पास, फिर अनलिमिटेड वुड होगी हमारे पास। और यहाँ देखिए कितने सारी चीज़ें हैं, यहाँ आइलैंड दिख रहे हैं मुझे, कितने सारे आइलैंड हैं, सैंड आइलैंड है वगैरह वगैरह, कितने सारे आइलैंड हैं। तो इन सबको हमें एक्सप्लोर करना है, एंडर ड्रैगन को भी मारना है। आज तक मैंने एंडर ड्रैगन को मारा नहीं है वैसे कभी, पर मारेंगे ज़रूर, इंतज़ार रहेगा। चेस्ट खोलते हैं और अब निकालते हैं थोड़े से स्लैब, ये थोड़ा खुला छोड़ दिया मैंने। वैसे छुपने की जगह बन सकती है क्या? नहीं। चलो ये अच्छी जगह है। चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। और याद रखिएगा लाइक है मैं 10 लाइक, और 10 लाइक ज़रूर करना कंप्लीट, और व्यूज़ हो सके तो 600 तक तो कर ही देना। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली माइनक्राफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।